चंडीगढ़ के GMCS ने आज से शुरू की काउंसलिंग। हरिद्वार में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ा, भीमगौड़ा बैराज में 292.65 मीटर पर बह रही है नदी। राजधानी दिल्ली में फिर उफान पर यमुना, सुबह 5 बजे 205.43 मीटर पर पहुंचा जल स्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला कोच सस्पेंड। मणिपुर में 23 साल बाद दिखाई गई हिंदी फिल्म सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी मूवी उरी का प्रदर्शन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कांपी धरती, भूकंप की तीव्रता 3.4। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को राहत, अब कोर्ट से बिना अनुमति लिए भी देश से बाहर जा सकती हैं। मणिपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे CPIM का प्रतिनिधिमंडल, येचुरी करेंगे नेतृत्व। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने किया सुसाइड, बिहार के गया का रहने वाला था छात्र। नो हिंसा में गिरफ्तार होने वाले आरोपियों की संख्या बढ़कर 242 हुई, 60 नए FIR दर्ज। मुंबई में शरद पवार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण की मांग। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बड़े बदलाव की तैयारी, बदले जाएंगे 35 जिलों के अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने दिल्ली और झारखंड के नेताओं के साथ की अहम बैठक। मुंबई के लोकल ट्रेनों में लगेंगे आधुनिक ऑडियो अलर्ट सिस्टम, यात्रा होगी और सुरक्षित। मेवात हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को नूह के जिला अदालत में पेश किया गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त, नितिन गडकरी ने की समीक्षा। झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, फिजिकली पेश होने से मिली छूट। विश्वकर्मा योजना को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना को मिली कैबिनेट की मंजूरी।